हम लोग प्रोसीड करेंगे आयनिक बॉन्ड कल हम लोगों ने कहा पढ़ा था जिसमें केमिकल बॉन्डिंग में हमारे पास फोर्थ तरह की थी फर्स्ट आपके पास आयनिक बॉन्ड था आयनिक बॉन्ड में आपके पास अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू आइन्स दैट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड फिर उसके बाद हमने उसके डिटेल पढ़े थे डिटेल में हमारे पास कंडीशंस थे पे सोडियम क्लोराइड के हमारे पास फॉर्मेशन हो गई थी में हमने पढ़ा था कि आपके पास मेटल होगा जबकि दूसरा आप लोगों के पास नॉन मेटल होगा आज हम उसी के दूसरे एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे डिटेल में और साथ में हम थर्ड एग्जाम्पल को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे सेकेंड एग्जाम्पल जो हमारा है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड उसके लिए हम लोग कंडीशन देख लेते हैं आप हाँ लोगों के पास एक एटम का हमारे पास मेटल होना जरूरी है कल भी मैंने बताया था कि आयनिक बॉन्ड तभी बनेगा जब आप लोगों के पास एक, एक एटम मेटल हो और दूसरा नॉन मेटल हो जो मेटल होगा दे विल ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन। मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और वो आप लोगों के पास पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं जबकि नॉन मेटल जितने भी हैं वो आप लोगों के पास हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और इन पे जो चार्ज आता है वो नेगेटिव चार्ज आता है मेटल्स हमारे पास ग्रुप वन टू एंड थ्री वाले होते हैं जबकि नॉन मेटल्स आप लोगों के पास ग्रुप फाइव सिक्स एंड सेवन है जितने भी ग्रुप वन टू एंड थ्री है दे विल ऑलवेज बॉन्डेड विद द नॉन मेटल्स ऑफ ग्रुप फाइव सिक्स एंड सेवन अब फिफ्थ वन पॉइंट है आप लोगों के पास कि तमाम वो मेटल्स जो कि आपके पास करते हैं, पॉजिटिवली चार्ज बनाते हैं तो उनकी आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा लो होगी आयनाइजेशन एनर्जी मीन कि आपके पास उसके आउटर शेल को रिमूव करने के आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको हम लोग आयनाइजेशन इनर्जी कहते हैं तो जितने भी मेटल्स हैं उनकी आयनाइजेशन इनर्जी हमेशा कम होती है इसलिए वो हमेशा आप लोगों के पास क्या बनाएंगे कैटाइंस बनाएंगे जबकि आप लोगों के पास जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप फाइव सिक्स एंड सेवन की हाई होती है और ये हमेशा आप लोगों के पास नेगेटिवली चार्ज आइंस बनाएंगे इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ये आप लोगों के पास किसी भी आइटम की एबिलिटी होती है कि वो अट्रैक्टेड जितने भी शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ ज्यादा से ज्यादा खींच सके अब जितने नॉन मेटल्स हैं मैंने आपसे कहा कि वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं तो मीन आपके पास उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है हाई होती है सेवन पॉइंट को अगर हम लोग देखें तो इट इज अबाउट द इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स

टिक बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन कैल्शियम क्लोराइड पेज नाइन सिक्स पे है ओपन यूअर बुक्स इससे पहले मैंने थोड़ा सा आपको रिवाइज कर दिया कि आयोनिक बॉन्ड बनेगा किस में उसके लिए हमारे पास किन किन चीजों की जरूरत होती है फॉर एग्जाम्पल कौन से पार्टिसिपेटिंग होते हैं कैल्शियम क्लोराइड आप लोग निकाले फॉर्मेशन पेज नाइन पे है चले जी स्टार्ट लेते हैं द दटोमिक नंबर ऑफ कैल्शियम इज ट्वेंटी एटॉमिक नंबर कैल्शियम का क्या है आप लोगों के पास ट्वेंटी है जबकि अगर आप लोग देखें तो एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन जो है वो आप लोगों के पास सेवनटीन है जो बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड है अगर इसमें आप लोग देखें तो पार्टिसिपेटिंग एटम्स जो है वो आप लोगों के पास कैल्शियम है एंड क्लोरीन है तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर आपके पास ट्वेंटी है जबकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर आप लोगों के पास सेवनटीन है अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कैल्शियम जो है वो आप लोगों के पास के शेल में इसके टू इलेक्ट्रॉन्स आते हैं एल शेल में इसके एट इलेक्ट्रॉन्स आते हैं एम शेल में भी इसके एट इलेक्ट्रॉन्स आते हैं जबकि उसके बाद एन शेल में इसके टू इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो मीन इसके आउटर मोस्टल आपके पास टू इलेक्ट्रॉन्स है अब अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉनिक कंफिगुरेशन ऑफ क्लोरिन की तो क्लोरिन में आप लोगों के पास के शेल में टू इलेक्ट्रॉन है एल शेल में आप लोगों के पास एट इलेक्ट्रॉन है जबकि एम शेल में आप लोगों के पास सेवन इलेक्ट्रॉन्स हैं अब अगर इसके मॉडल को हम लोग थोड़ा सा देख लें तो इसके मॉडल में देखें आप लोगों के पास कैल्शियम का जो फर्स्ट शेल है उस पर लिखा हुआ है वन टू मीन इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है टू है जबकि अगर हम लोग देखें सेकेंड शेल को तो उसमें लिखा हुआ है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट मीन यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एल शेल कितने हैं एट है, अब कमिंग टूर्ड्स एम शेल एम में देखें तो आप लोगों के पास है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एम शेल में भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हैं जबकि अगर हम लोग एन शेल को देखें तो एन में आप लोगों के पास वन एंड टू मीन जो लास्ट शेल है जो वैलेंस शेल है उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू है अब दूसरे साइड पे आ जाए तो मॉडल मौजूद है क्लोरीन का क्लोरीन के लिए अगर आप लोग देखें तो उसके फर्स्ट शेल में टू इलेक्ट्रॉन्स है सेकेंड शेल में देखें तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट सेकेंड शेल मीन एल शेल में आपके पास एट इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर एम शेल को हम लोग देखें क्लोरीन का तो उसमें आप लोगों के पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने हैं सेवन है अब हम लोग बात करेंगे इसके आउटर मोस्ट में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं valence electrons या valence shell electrons की बात करेंगे अगर हम लोग कैल्शियम को देखें तो कैल्शियम के आउटर मोस्ट में आप लोगों के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जबकि क्लोरीन के आउटर मोस्ट में आप लोगों के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अब ये आप लोगों को valence shell का मालूम कैसे होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसका एक बहुत ही इजी तरीका है आप लोगों के पास जो एलिमेंट जिस ग्रुप से बिलोंग करता है वही उसकी वैलेंसी होती है फॉर एग्जाम्पल या वैलेंस होता है। हम लोग वैलेंसी बना तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उसके वही होते हैं जो इसका ग्रुप नंबर होता है अगर हम लोग देखें तो आप लोगों के पास कैल्शियम जो है इट बिलोंग्स तो टू ग्रुप नंबर टू ग्रुप नंबर टू में है तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे टू होंगे अगर हम लोग क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन के आउटर मोशन में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं सेवन अब ये सेवन मुझे कैसे पता चला एक तो हमारे पास मॉडल से रिप्रेजेंट हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिकेशन से दूसरा अगर कोई जल्दी में आपसे पूछे कि क्लोरीन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसका जल्दी में आंसर या ट्रिकी आंसर हम कहते हैं कि आपके पास ग्रुप नंबर इंडिकेट करता है क्लोरीन बिलोंग्स टू ग्रुप सेवन और इसके आउटर मोशन में इलेक्ट्रॉन्स भी सेवन ही होंगे आगे जाए तो हमारे पास आइंस फॉर्मेशन की बारी आती है कैल्शियम आप लोगों के पास बिलोंग्स टू तो ग्रुप टू इसके आउटर मोस्ट शेल में टोटल टू इलेक्ट्रॉन्स है ये अपने इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिकेशन को आर्गोन की तरह बनाना चाहता है की तरह स्टेबल होना चाहता है तो अगर आप लोग एटॉमिक नंबर देखें तो 20 है का देखें तो वो कितना है एटीन मीन इसको कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं ताकि ये एटीन पे आ जाए तो कैल्शियम विल लूज्रॉन टू अटेन द इनर्ट गेस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन Of argon. अब अगर हम लोग देखें तो सोडियम जो सोडियम आयन है उसी की तरह आप लोगों के पास कैल्शियम का भी आयन बनेगा कैल्शियम आयन में क्या होगा आप लोगों के पास कैल्शियम के आउटर मोशन में जो टू इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास लूज हो जाएंगे और कैल्शियम प्लस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस टू इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे इस तरह आप लोगों के पास ये जो कैल्शियम है वो तो अनस्टेबल था क्योंकि उसमें ट्वेंटी इलेक्ट्रॉन है उसके आउटर मोशन में टू इलेक्ट्रॉन्स है जबकि आपके पास आर्गोन के आउटर मोस्ट शेल में तो एट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बाय द रिमूविंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कैल्शियम एटम आपके पास ये कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम आयन में अब कैल्शियम आयन में आप लोगों के पास आउटर मोस्ट शेल में देखें तो टोटल एट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और अगर हम लोग इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लें तो इसमें अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटीन है कैल्शियम आयन में तो मतलब इसका एटॉमिक नंबर जो है स हो रहा है आर्गोन के साथ और एज ए रिजल्ट इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंफिगुरेशन जो है वो इनर्ट गेस की तरह हो गई है अब अगर हम लोग आगे देखें पेज नंबर 96 से बच्चे हम लोग ये कर रहे हैं शुरू में ही मैंने बता दिया था पेज नंबर 96 पे है फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड सेकंड एग्जांपल ऑफ आयोनिक बॉन्ड अब आगे जाएंगे तो नेक्स्ट वन स्लाइड पे आप लोगों के पास है दैट इज अबाउट क्लोरीन में आप लोगों के पास क्या होगा क्लोरीन आप लोगों के पास ग्रुप सेवन से बिलोंग करता है अब ग्रुप सेवन में आप लोगों के पास ये है चले जी ग्रुप सेवन में आप लोगों के पास क्या होगा कि जितने भी आउटर मोशन में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको एक की जरूरत है उस एक को अगर वो गेन कर ले तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा अब अगर हम लोग कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम के आउटर मोशन में टू थे जबकि उसको कंप्लीट करने के लिए सिक्स इलेक्ट्रॉन उसे चाहिए थे सिक्स तो कभी भी गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता तो इसलिए हमेशा जो है कैल्शियम लॉस ऑफ टू इलेक्ट्रॉन कर देता है जबकि हम लोग क्लोरीन में देखें तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में सेवन इलेक्ट्रॉन्स है उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इजीली कहीं से भी वन इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करना पड़ जाए तो वो नोबल गैसेस की तरह स्टेबल हो जाता है अब यहाँ पे आप लोगों के पास टू क्लोरीन होंगे टू क्लोरीन एक एक करके एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे कैल्शियम का मीन कैल्शियम ने टू इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो एक एक क्लोरीन ले लेगा ले दूसरा दूसरा क्लोरीन आइटम ले लेगा ले और एज ए रिजल्ट हमारे पास टू क्लोराइड आइन्स बन जाएंगे ये टू क्लोराइड आइंस जो है इसके इलेक्ट्रॉनिक कंफिगुरेशन जस्ट लाइक आर्गोन होगी अब ये कैसे आर्गोन की तरह होगी अगर हम लोग क्लोरीन को देखें तो उसके एटॉमिक नंबर सेवनटीन है बाई गेनिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन ये कन्वर्ट हो गया है किसमें एटीन में और आर्गोन का एटॉमिक नंबर आपके पास क्या है एटीन इट मीनस के आपके पास अब क्लोराइड आइन जो है इट जस्ट गेन स्टेबिलिटी लाइक आर्गोन नीचे अगर आप लोग मॉडल में देखें तो क्लोरीन एटम जो है उसके आउटर मोशन में टू एट सेवन मीन इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन में टू एट सेवन है और आउटर मोशन में सेवन इलेक्ट्रॉन है क्लोराइड के आउटर मोशन में एट इलेक्ट्रॉन है अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन क्लोरीन एटम वो हमारे पास बिल्कुल सेम है मीन नंबर ऑफ प्रोटॉन भी सेवनटीन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेवनटीन है इट मीन आप लोगों के पास ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है और एज ए रिजल्ट इसका टोटल चार्ज जीरो होगा मीन इस पे कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं आता क्लोरीन एटम पे अगर हम लोग दूसरे साइड पे क्लोराइड आयन को देखें मीन इसने अभी वन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया हुआ है तो यहाँ पे आपके पास टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो सेवनटीन है जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्टर्ब हो गए हैं वन इलेक्ट्रॉन इट इज कन्वर्टेड फ्रॉम द फिगर ऑफ 17 टू एटीन अब अगर हम लोग देखें कि अगर ये कैंसिल तो एज ए रिजल्ट अभी भी यहाँ पे एक चार्ज आ जाएगा दैट इज माइनस वन एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इसके लिए हम लोग क्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज लगाएंगे माइनस वन लगाएंगे अब बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होगी आपके पास दो क्लोराइड आइंस हैं एक कैल्शियम आइन है अब ये टू ऑपोजिटली चार्ज आइंस हैं एक पे पॉजिटिव है दूसरे पे नेगेटिव है व्हेन दे कम क्लोज टू ईच अदर जब एक दूसरे के करीब आ जाएंगे तो इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स जो है वो डेवलप हो जाएगी इन दोनों आइन्स के दरमियान और इसी आइंस के जो यूनिटेशन है या कम्बिनेशन है उसको हम लोग कहते हैं आयोनिक बॉन्ड मीन आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन कैल्शियम आइन एंड टू क्लोराइड आइन्स विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड अब यहाँ पे आप लोगों के पास कैल्शियम प्लस टू है प्लस टू इलेक्ट्रॉन सॉरी टू क्लोराइड आइन है और वो मिल के आप लोगों के पास कैल्शियम क्लोराइड बनाते हैं अगर हम लोग मॉडल को देख लें तो मॉडल में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि कैल्शियम के आउटर मोशन में टू इलेक्ट्रॉन मौजूद है जिसको हम लोगों ने स्टार से शो किया हुआ है ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है कैल्शियम इन्हीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा डोनेट मीन कंप्लीटली ट्रांसफर सॉरी डोनेट का भी टर्म ठीक नहीं आता कंप्लीटली ट्रांसफर करेगा ट्रांसफर किसको होंगे नॉन मेटल्स को अब यहाँ पे नॉन मेटल कौन से हैं क्लोरीन है अब ये अगर कैल्शियम अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो एक ले लेगा लेकिन अगर हम लोग देखें तो कैल्शियम तो टू इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और क्लोरीन को तो कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो क्या होगा? Time, क्लोरीन को करेगा। मीन आप लोगों के पास क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन एटम को देगा जबकि दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे क्लोरीन एटम को देगा तभी आप लोग जब कभी भी लिखते हो सी ए सी एल टू जो लास्ट में टू लिखते हैं वो इसीलिए लिखते हैं कि मेन आपके पास एक कैल्शियम ने टू क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग की है आयोनिक बॉन्डिंग की है अब यहां पे आप लोगों के पास जो कैल्शियम है उसके आउटर मोशन के इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन ले लेगा ले तो वो कन्वर्ट हो जाएगा क्लोराइड आयन में आप लोग मॉडल में देख सकते हैं कि एक स्टार से हम लोगों ने क्लोरीन एटम में उस इलेक्ट्रॉन को शो किया हुआ है जो कि कैल्शियम से क्या हो गया ट्रांसफर हो गया है जबकि दूसरे साइड पे देखें तो आपके पास कैल्शियम का दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे क्लोरीन को ट्रांसफर हो गया है और यहां पे आप लोगों के पास उसको भी हमने स्टार से शो किया हुआ है एज अ रिजल्ट आप लोगों के पास जो चार्जेस बन गए हैं कैल्शियम आयन बन गया है सी ए प्लस टू जबकि क्लोरीन जो है वो टू है तो हम लोग टू सी एल माइनस लिखेंगे मीन आप लोगों के पास टू क्लोराइड आइन बन जाते हैं ऑक्टेट रूल अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि आपके पास किसी भी इलेक्ट्रॉन के सॉरी किसी भी आइटम के आउटर मोशन में एट इलेक्ट्रॉन्स अगर कंप्लीट है तो वो स्टेबल है अब जिन जिन आइटम के आउटर मोशन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है एट कंप्लीट तो वो उसको कंप्लीट करने के लिए लॉस गेन और शेयर करेगा और इसमें मैंने एक एग्जाम्पल आपको कैल्शियम की समझाई थी आज आप लोग देख लें तो कैल्शियम ने आउटर मोशन से जो टू इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन जस्ट लाइक आर्गोन हो गई अब अगर हम लोग मॉडल में देखें तो यहाँ पे कैल्शियम के आउटर मोशन में टोटल एट इलेक्ट्रॉन्स है कैल्शियम के आयन के जो मॉडल है जबकि क्लोराइड आयन में भी आप लोगों के पास टोटल एट इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए अब इन दोनों की स्टेबिलिटी किसकी तरह हो गई है जस्ट लाइक आर्गोन इनका भी जो आइन्स का अगर आप लोग देखें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटीन है कैल्शियम में और अगर हम लोग क्लोराइड आयन में देखें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके पास एटीन है जबकि 18 एटॉमिक नंबर है आर्गोन का एज ए रिजल्ट ये लोग जस्ट लाइक स्टेबिलिटी गेन कर देते हैं आर्गोन की तरह अब आगे है आप लोगों के पास बुक पेज 97 पे बच्चे यहाँ पे आप लोगों के पास जो मॉडल बना हुआ है कैल्शियम क्लोराइड फॉर्मेशन का उसके बाद एक टू लाइन दिखी हुई है आप लोग जरा देखें दिस एक्सप्लेन द डायलेंट नेचर ऑफ कैल्शियम मीन आप लोगों के पास कैल्शियम जो है वो डायलेंट है डायवेलेंट का मतलब है डायमी टू वैलेंट मीन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करना या वैलेंसी का आ जाना कि कैल्शियम हमेशा डायवेलेंट है मीन ये टू इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा जबकि आप लोगों के पास नेक्स्ट वन लाइन में लिखा हुआ है वी कैन शो द दावेट नेचर ऑफ एल्यूमिनियम एटम इन द फॉर्मेशन ऑफ अलूमियम क्लोराइड मोलिक्यूल ये वाला जो लाइन है इसमें ये जो आप लोगों को अल्यूमिनियम क्लोराइड नजर आ रहा है ए एल सी एल थ्री पेज नंबर नाइनटी सेवन पे है ये

तो वो आप लोगों के पास सेवनटीन है अब एल्यूमिनियम जो है वो उसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगुरेशन हमारे पास के का टू आता है एल का हमारे पास एट है एम का हमारे पास थ्री है मीन एल्यूमिनियम के फर्स्ट शेल में टू इलेक्ट्रॉन्स है सेकेंड के सेकेंड जो शेल है दैट इज एल शेल उसमें आप लोगों के पास एट इलेक्ट्रॉन्स है जबकि एम शेल में आप लोगों के पास थ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं अब अगर हम लोग एलुमिनियम को देखें कि यह आप लोगों के पास वैलेंट है अब ये वैलेंट जो है वैलेंसी वैलेंसी से निकला है और वैलेंसी जो है और जो आप लोगों के पास द अपेरेंट चार्ज ऑफ एन आयन। मीन आप लोगों के पास किसी एटम ने लूज कर लिया गेन कर लिया इलेक्ट्रॉन को तो एज ए रिजल्ट वहां पे चार्जेस आ जाते हैं या तो प्लस होंगे या फिर वो आप लोगों के पास माइनस होंगे वही अपेरेंट चार्ज जो कि उस आइटम पे आइंस के फॉर्म में आ जाता है उसको हम लोग वैलेंसी कहते हैं के मीन इसकी टेंडेंसी ऑफ लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितनी है अब यहाँ पे अगर हम लोग एल्यूमिनियम को देखें तो इसको हम ट्राइवेलेंट कहते हैं ट्राइवेलेंट का मतलब है कि मीन ये थ्री इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है नाउ कमिंग टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन ऑफ क्लोरीन क्लोरीन आप लोगों के पास है के शेल में उसके टू इलेक्ट्रॉन्स है एल शेल में उसके एट इलेक्ट्रॉन्स हैं जबकि एम शेल में उसके सेवन इलेक्ट्रॉन्स हैं मीनस के आउटर मोस्ट शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं सेवन हैं जबकि अल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल मीन एम शेल में थ्री इलेक्ट्रॉन्स है अगर आप लोग मॉडल को देखें तो मॉडल में अलूमिनियम में देखें तो फर्स्ट शेल में वन टू इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों ने डाले हुए हैं सेकेंड शेल में आप लोगों के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट है जबकि लास्ट शेल में अगर हम लोग देखें तो आप लोगों के पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो थ्री है अब अगर हम लोग क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन का जो फर्स्ट शेल है उसमें टू इलेक्ट्रॉन्स है सेकेंड शेल में आप लोगों के पास एट इलेक्ट्रॉन्स है जबकि अगर हम लोग एम शेल में देखें थर्ड वन शेल में जो कि लास्ट शेल भी है उसमें आप लोगों के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन है तो एलुमिनियम के आउटर मोशन में टू अलेक्ट्रॉन थ्री इलेक्ट्रॉन्स है जबकि क्लोरीन का आप लोगों के पास कितना है एट इलेक्ट्रॉन सॉरी सेवन इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे मैं एक बात ऐड कर दू ये जो वैलेंसी का जो कॉन्सेप्ट है ये आप लोगों के पास लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हम लोग कहते हैं कि उसके बाद अपेरेंट चार्ज आ जाता है तो ये वही अपेरेंट चार्ज जो है अपने आप को ऑक्टेट को उबे करने के लिए ये लोग लूज और गेन कर देते हैं और उसके बाद जो चार्ज आता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं वैलेंसी कहते हैं अब फॉर एग्जाम्पल एलुमिनियम के मैंने आपसे कहा कि अगर वो थ्री इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दें तो वहां पे आप लोगों के पास क्या होगा वो ट्राइव हो जाएगा मीन उस पर प्लस, प्लस, प्लस थ्री हो जाएंगे फिर उसके बाद अगर हम लोग क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन के आउटर मोशन में सेवन इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसको अगर हम लोग देखें तो ये आप लोगों के पास ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो अब मैं यहाँ पे ये नहीं कहूंगी कि ये हेप्टावेंट है बल्कि हम लोग कहते हैं कि क्लोरीन के आउटर मोशन में एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशंसी है तो ये उसको गेन करेगा जब गेन करेगा तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा माइनस वन तो ये मीन आप लोगों के पास मोनोवेलेंट है मीन ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है अब अगर हम लोग आपको बताएं कि आयन फॉर्मेशन टर्म क्या है आयन फॉर्मेशन आप लोगों के पास जब कभी को भी कोई आइटम आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन को लूज कर ले या फिर गेन कर लें एज ए रिजल्ट आप लोगों के पास उसके जो लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज आ जाते हैं और उसमें या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो चुका होगा या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको हम लोग आइंस कहते हैं फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एल्यूमिनियम को आप लोग देखें तो एल्यूमिनियम के आउटर मोशन में टोटल थ्री इलेक्ट्रॉन्स थे जबकि अगर हम लोग देखें तो न्यून के आउटर मोशन में टोटल एट इलेक्ट्रॉन्स हैं न्योन का हमारे पास एटॉमिक नंबर टेन है जबकि एल्यूमिनियम का हमारे पास एटॉमिक नंबर थर्टीन है अब ये टेन को कैसे गेन कर सकता है उस थ्री को अगर ये रिमूव कर ले थ्री इलेक्ट्रॉन्स को तो ये जस्ट लाइक नियोन की तरह बन जाएगा अब ये वाला जो प्रोसेस है जिसमें एल्यूमिनियम थ्री इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देता है लूज कर देता है और एज अ रिजल्ट आप लोगों के पास वहां पे प्रोटॉन्स ज्यादा हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन कम पड़ जाते हैं तो वहां जो एग्जिस्टेंस है अब वो एटम नहीं कहलाया जाता बल्कि उसको हम लोग क्या कहते हैं उसको हम लोग आइन कहते हैं फिर यहां पे अगर हम लोग मॉडल को देख लें तो एल्यूमियम अगर स्टेबल एटम देखें मीन इसने भी कोई लॉस और गेन नहीं किया तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटोन थर्टीन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी थर्टीन है एज ए रिजल्ट दे कैंसल और नेट चार्ज जो है वो जीरो आता है मीन एल्यूमिनियम पे ना प्लस आता है ना माइनस आता है जबकि दूसरे साइड पे जब वो थ्री इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो वहां इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिकेशन आप लोग लोग देखें देखें तो तो हो हो गई गई है नियोन की तरह हो गई। अब अगर इसमें नंबर ऑफ हम तो वो आप लोगों के पास 13 है जबकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप लोगों के पास कितने हैं टोटल टेन है क्योंकि थ्री तो लूज हो गए हैं अब अगर हम लोग इसके इफेक्ट को कैंसिल कर ले तो तब आप लोगों के पास प्रोटॉन ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन इसके नस्बत क्या है कम है अब प्रोटॉन कितने ज्यादा है टेन इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन जो है वो आपके पास थर्टीन है मीन थ्री प्रोटॉन्स आपके पास ज्यादा हैं तो एज अ रिजल्ट हम लोग एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम के ऊपर प्लस थ्री का चार्ज लगा देंगे अब यही प्लस थ्री जो एल्यूमिनियम पे आ गया है इसको हम लोग फिर आयन कहते हैं आप समझ में आ गए कि आयन फॉर्मेशन क्या होती है आगे है हमारे पास क्लोरीन क्लोरीन आप लोगों के पास हमेशा एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा बाई गेनिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन जस्ट लाइक आर्गोन हो जाएगी ये बार बार क्लोरीन जो है वो रिपीट हो रहा है क्लोरीन एक नॉन मेटल है इसलिए ये तमाम मेटेलिक कंपाउंड के साथ मिलकर आयोनिक बॉन्ड बनाता है अब क्लोरीन के आउटर मोशन में सेवनटीन इलेक्ट्रॉनस थे जबकि आर्गोन को अगर हम लोग देखें तो आर्गोन के आउटर मोशन में टोटल एटीन इलेक्ट्रॉन है क्लोरिन बाई गेनिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन गेन द स्टेबिलिटी जस्ट लाइक आर्गोन क्योंकि क्लोरीन के क्लोराइड आयन में जब कन्वर्ट हो जाता है तो इसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 हो जाते हैं जबकि अगर हम लोग आर्गोन को देखें तो उसके भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो एटीन है तो एज ए रिजल्ट जो क्लोराइड आयन है वो स्टेबिलिटी गेन कर देता है जस्ट लाइक आर्गोन अब आप लोगों के पास ए एल सी एल थ्री फॉर्मेशन कैसे होती है मैं बार बार ये रिपीट कर दूं या आप लोगों की बुक में टेस्ट यूर सर्व से ऊपर सिर्फ एक लाइन आई हुई है जो क्या है कि एल्यूमिनियम क्लोराइड में बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकती है अब जो आप लोगों के पास क्वेश्चन इस पे आता है तो वो वही डिटेल में ही लिखना होता है जैसे आप लोग सोडियम क्लोराइड को लिखते हैं कैल्शियम क्लोराइड को लिखते हैं लेकिन एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो बुक में फिर मौजूद नहीं होता इसलिए हम लोग इसको डिटेल से यहाँ पढ़ रहे हैं अब आप लोगों के पास टू टाइप्स ऑफ चार्जेस बन गई है एक एल्यूमिनियम है और एक क्लोराइड आयन है एल्यूमिनियम को अगर आप लोग देखें तो उसने थ्री इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया अब क्लोरीन जो है वो तो एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है तो एल्यूमिनियम जो है एट ए टाइम कितने क्लोरीन आयन को सॉरी क्लोरीन आइटम को सेटिस्फाई कर सकता है वो आप लोगों के पास थ्री आइटम्स ऑफ क्लोरीन सेटिस्फाई कर सकता है मीन जब एलुमिनियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो एक क्लोरीन गेन कर देगा जब एलुमिनियम दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो दूसरा क्लोरीन गेन कर लेगा और एल्युमिनियम जब थर्ड वन इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो थर्ड वन क्लोरीन भी उसकी वजह से क्या हो जाता है स्टेबिलिटी गेन कर लेता है अब एज ए रिजल्ट जो टू ऑपोजिटली चार्ज आइंस है इसके दरमियान एलेक्ट्रोस्टेटिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है और आपके पास एलुमिनियम क्लोराइड बन जाता है दैट इज एल एल सी यहाँ पे अगर हम लोग इन रिएक्शन को देखें तो आप लोगों के पास एलुमिनियम जो है उसके टू एगुरेशन है अब एलुमिनियम अपने आउटर मोशन से थ्री इलेक्ट्रॉन जब कभी भी रिलीज करेगा तो उस पर जो चार्ज आएगा वो आप लोगों के पास प्लस थ्री होगा जबकि क्लोरीन के अगर हम लोग देखें कन्फिगुरेशन तो टू एट सेवन है मीन इसको चलिए अगर हम लोग क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन के आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है वो इसको कंप्लीट करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा अभी भी फिर एलुमिनियम के पास टू इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं तो एज ए रिजल्ट क्या होगा आप लोगों के पास एल्यूमिनियम जो थ्री इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है वो आप लोगों के पास थ्री क्लोरीन एटम जो है उसको गेन कर लेंगे और एज ए रिजल्ट थ्री क्लोराइड आइंस बन जाएंगे मीन आप लोगों के पास थ्री सी एल माइनस बन जाते हैं नीचे ले आएंगे नहीं ये स्लाइड चेंज कर दें नहीं नहीं बिल्कुल लास्ट में है हम लोग मैं आपको बताती हूँ जहां तक है अब यहाँ पे देखें आप लोगों के पास एल्यूमिनियम जो रिएक्शन है उसने हमारे पास थ्री क्लोरीन एटम के साथ बॉन्डिंग कर ली और एज ए रिजल्ट आपके पास क्या बना लिया ए एल सी थ्री बना दिया इसका हमारे पास जो स्ट्रक्चर मौजूद है एल्यूमिनियम दरमियान में है जबकि उसके इर्द गिर्द तीन क्लोरीन मौजूद है अब आगे जाए तो आगे हमारे पास है जो नेक्स्ट वन है हमारे पास कोवन एंड बॉन्ड है कोवन एंड बॉन्ड हमारे पास दूसरा टॉपिक है पेज नंबर आप लोगों के पास नाइनटी एट पर है फोर पॉइंट थ्री पॉइंट टू ये जो दरमियान में टेस्ट यूर रह जाता है इसको आप लोग खुद करेंगे क्योंकि ये बहुत ही इजी है कि आपके पास कैसे आइन्स बनते हैं एटम्स कौन से आइंस बना सकते हैं ये सारे हम लोग इस पुराने जितने भी दो तीन दिन के लेक्चर्स हुए हैं उसमें कर चुके हैं आज हमारा टॉपिक जो दूसरा है वो फोर पॉइंट थ्री पॉइंट टू है कॉवर एंड बॉन्ड नाइंटी एट पेज पर है आप लोग निकाल ले पेज 98। एट अगर हम लोग डिफिनेशन को देखें तो यहाँ पे आप लोगों के पास ना लॉस होता है ना गेन होता है क्योंकि अगर हम लोग हमारे पास अगर रिलेटेड सपोज मेटल नहीं है नॉन मेटल है या फिर अगर मेटल नॉन मेटल की कंबिनेशन नहीं है सिर्फ नॉन मेटल की कंबिनेशन है फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक हाइड्रोजन रिएक्शन करना चाह रहा है दूसरे हाइड्रोजन के साथ अब यहाँ पे तो ना लॉस हो सकता है ना गेन हो सकता है अब एज ए रिजल्ट इन कंडीशंस में क्या होगा यहाँ पे आप लोगों के पास म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब कि आपके पास एक हाइड्रोजन का जो आउटर मोस्ट शेल का वन इलेक्ट्रॉन है वो शेयरिंग होगी विद द हाइड्रोजन जो दूसरा वाला है उसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के साथ अगर हम लोग देखें तो एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर ले और एज अ रिजल्ट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर ले तो वहां पे आप लोगों के पास वो डुप्लेट कोबे करता है लेकिन बिफोर गोइंग तो टू आपके पास वो दो भी हो सकते हैं दो से ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन वो जब कभी भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे उसको हम लोग कोवन बॉन्ड कहते हैं अब यहाँ हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं कोवन बॉन्ड्स के फॉर एग्जाम्पल वाटर है वाटर में आप लोगों के पास इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे यहाँ पे जस्ट आप लोगों को हाईलाइट करवा रही हूँ वाटर में आप लोगों के पास ऑक्सीजन जो है वो टू हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है तो अगर आप लोग देखें तो हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया है जबकि अगर हम लोग देखें तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इसी तरह सेम विद द अमोनिया एंड क्लोरीन गैस है अभी मैं आप लोगों को होमवर्क दे देती हूं बुक में आप लोगों के पास पेज नंबर मौजूद है नाइन्टी फाइव पेज 95 पे आप लोगों के पास है बॉन्ड फॉर्मेशन इन सोडियम क्लोराइड ये वाला टॉपिक आप लोगों का होमवर्क है इसको आप लोग लर्न भी करेंगे और साथ में इसके जितने भी ये स्ट्रक्चर हैं इसके आप लोग प्रैक्टिस करेंगे मैं रिपीट कर देती हूं आप लोगों का होमवर्क जो है यूनिट फोर का पेज नंबर नाइनटी फाइव बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड और साथ में प्रैक्टिस जो है इनके मॉडल्स के आप लोग करेंगे कौन मोहम्मद जब्रील जब्रील आप अपने आप को अनम्यूट कर दे ताकि जो क्वेश्चन पूछ रहे हो मैं सुन लूं जल्दी-जल्दी करें आप लोग नहीं, question, question नहीं question है क्वेश्चन मैडम क्वेश्चन नहीं है क्वेश्चन नहीं है मैडम मनाहल आप अपने आप को अनम्यूट करें मनाहल आप अपने आप को अनम्यूट करें बच्चे मैम क्वेश्चन नहीं है अच्छा जी साथ आप अपने आप को अनम्यूट करें साथ ही आप अपने आप को अनम्यूट करें बच्चे मोहम्मद बुरहान आप अपने आप को फिर अनम्यूट कर दें मनाहिल आपको कोई क्वेश्चन है बच्चे मनाहिल? अच्छा आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ लेते कि फिर मैं आपको आंसर कर दूं कश्माला कैसे आप भी बसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहती है खुद को अनम्यूट कर दें कश्माला कैसर मैडम इधर जो हमने सी, किया है हमने के के तो वो तो डुप्लेट रूल के मुताबिक वो तो स्टेबल है ना उसने तो क्यों लॉस किए है अच्छा मेरी बात सुने ये रूल को इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि हमारे पास डुप्लेट रूल में आउटर मोशन में जस्ट लाइक हीलियम की तरह होना चाहिए हीलियम के आउटर मोशन में सिर्फ टू इलेक्ट्रॉन्स है ना तो आपके पास हाइड्रोजन या लिथियम उसको बे कर सकता है हाइड्रोजन का वन है तो वो उसको टू बना सकता है लिथियम का थ्री है तो वो उसको टू बना सकता है लेकिन अगर आप कैल्शियम का एटोमिक नंबर देखे तो वो बचे ट्वेंटी है तो ट्वेंटी खुद को टू तो नहीं बना सकता ना तो इस